इस समय प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, GRAP 3 लग चुका है, व्हीकल्स का एंट्री और BS 3 BS 4 व्हीकल्स पे बैन, इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं बिकॉज प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा सीवियर है, वेरी वेरी हैजार्डस टू द ह्यूमन हेल्थ। तो ऐसे में रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट्स का नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, जो एस्थमेटिक्स हैं वो इस तरह से धुएं में नहीं सांस ले पाते, उनका कंजेशन बढ़ जाता है। जो COPD के पेशेंट्स हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो इनका नंबर काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन भी नए नए आते हैं, फ्लू वैक्सीन आते हैं, जो लोग फ्लू का वैक्सीन नहीं लगवाते, तो फ्लू के नंबर भी इस समय हमारे सामने आ रहे हैं, फ्लू केसेस के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। और अगर लंग्स वीक हों, हार्ट पेशेंट हों, डायबिटिक हों, तो फ्लू भी उस पर ज़्यादा वार करता है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स में फ्लू से निमोनिया भी हो सकता है। जी सर, कितने पेशेंट हो गए हैं पीडी में आते थे, अब कितना, अगर कुछ आइडिया नंबर आप बोलें। नंबर तो काफ़ी बड़ा है, अराउंड 30% तो इंक्रीज़ हुआ ही है नंबर ऑफ पेशेंट बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर एंड द फ्लू इन द सोसाइटी दीज डेज। तो नंबर तो डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं कि बड़ा है। जी कौन कौन से मेजर सिम्टम्स आप देखते हैं पेशेंट में, कुछ चेंज। रेस्पिरेटरी फिजिशियन होने की वजह से मेरे पास ज़्यादा तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के ही मरीज़ आते हैं, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, छाती में खिंचाव होना, और जुकाम, कंटिन्यूस जुकाम लगने के बाद फिर चेस्ट के सिम्टम्स का डेवलप हो जाना, ये प्रोमिनेंट पेशेंट्स हैं। निमोनिया के भी पेशेंट्स का नंबर इस समय काफ़ी है, जो OPD में अटेंडेंस में दिखते हैं। इसमें छाती के एक्सरे में पैच ऑफ निमोनिया नज़र आता है, हाई फीवर होता है, और कई बार बलगम में ब्लड आना शुरू हो जाता है। सर सिम्टम भी कुछ बदले हैं या ज्यादा सीरियस, जैसे कि कोविड का रूप बदल रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है तो। अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स तो कोविड के हमारी OPDs में नहीं नज़र आ रहे, तो परंतु सिम्टम्स वायरस के बदल सकते हैं। तो वायरस कई बार जो है बिना बुखार के भी जस्ट चेस्ट कंजेशन, चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस के साथ भी प्रेजेंट करता है, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स समटाइम्स, और कई बार इतना तेज़ बुखार नहीं होता है। तो सिम्टम में वेरी, जब भी कोई एबनॉर्मल फील हो किसी को भी, अपने सिम्टम्स बढ़ते नज़र आएँ, तो डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जी सर कैसे, कितने दिनों में रिकवर कर पेशेंट देख रहे जो हैं। नॉमिनल कोविड पेशेंट इक्का दुक्का बीच में हमें नज़र आते हैं, उनके कोई सिम्टम ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, प्रिकॉशन के लिए एडमिट भी किया जाता है, परंतु कोविड की वजह से अभी कोई फिटल केस नहीं नज़र आया है मुझे, एटलीस्ट मेरे हॉस्पिटल में मेरे अंडर कोई भी इस तरह का नहीं पेशेंट आया जो कोविड की वजह से जिसकी जान को खतरा हुआ हो। फिलहाल जी अभी कितने हैं, अगर इसकी कोई जानकारी हो। हमारे यूनिट में तो अभी नहीं है, परंतु बहुत ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल में भी मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं माहौल कोविड का, बट प्रिकॉशन लेना चाहिए। जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं पूरा इंडिया में, तो इट इज़ बेटर टू बी वेरी केयरफुल सो दैट, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में होती है, तो ये ना फैले तो बेटर है। सर अभी जैसे कि आप चेस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, स्टेप किस स्टेज में आप सजेस्ट करते हैं कि उनको कोविड टेस्ट कराना है। किसी भी प्रकार का बुखार जो 3 दिन से नहीं टूट रहा विद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, और अगर किसी को प्री मॉर्बिड कंडीशंस हैं जैसे डायबिटिक, कार्डियक प्रॉब्लम या लंग प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कोविड टेस्ट करवाने से बेटर रहेगा। क्योंकि अगर हम पहले 5 दिन के अंदर एंटीवायरल का डोज लेंगे, तो शायद ये जल्दी इसके साइड इफ़ेक्ट्स को, जो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं निमोनिया, उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। फीवर आपने एक मेजर बताया, अगर फीवर नहीं खत्म हो रहा है। फीवर नहीं जा रहा है, सांस के सिम्टम आने लग गए हैं, खांसी हो रही है, चेस्ट में दर्द होना शुरू हो गया है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रही है, तो तुरंत जो है वो उसको वायरल फीवर से हटके सोचना चाहिए कि ये शायद मेरी रेस्पिरेटरी वायरस है जो तंग कर रही है, तो कोविड भी हो सकता है। जी सर क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है इस पूरे माहौल को देखते हुए। प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जगह में पार्टी करना,
और क्योंकि हमारा देश अब यू नो कनेक्टेड है, कोई भी किसी भी क्षेत्र से एक दूसरे से आके मिल सकता है, तो ये बीमारी फिर बहुत जल्दी फैलती है। तो क्राउडिंग ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, मास्क का इस्तेमाल। जी,